हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑडियो सिटी से। जी हाँ दोस्तों, हाँ यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन देख पा रहे हैं ऑडियो सिटी से अपनी वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। यह दोस्तों बहुत ही सस्ता यानी कि कम एमबी वाला और सरल ऐप है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको एक ऑडियो चाहिए होगा जो मैं यहाँ से उठा लूँगा, कोई भी ऑडियो, जैसे कि ये एक ऑडियो है, मैंने इसको यहाँ से उठा लिया। इस तरीके से ये ऑडियो आ जाएगा अपने पास और ये देखिए यहाँ पे ये गैप है, तो इस गैप को आपको कैसे हटाना होगा उसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल कंट्रोल प्लस फर्स्ट बटन दबाएंगे जैसे ही, तो इस तरीके से यहाँ पे जूम हो जाएगा। और जूम होने के बाद यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और कर्सर को यहाँ से जितना भी आप पार्ट रिमूव करना चाहते हैं इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो और दोस्तों वापस इसको जूम आउट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस 3 बटन को प्रेस करेंगे, जैसे 3 प्रेस करेंगे ये वापस आ जाएगा। तो बहुत सारे अनवांटेड पार्ट रहते हैं जिसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे के सारे फालतू जो भी गैप था ऑडियो में वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम इस ऑडियो में बेस डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेस डालने से क्या बेनिफिट रहेगा, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन रहेगा, वजन आएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों इस पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे। पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल प्लस ए कर देंगे ये आपका ऑडियो सिलेक्ट हो गया है। और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जाएंगे आप अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिल्टर कर्व का ऑप्शन दिखाई देगा। फिल्टर कर्व में जैसे ही आएंगे यहाँ पर नीचे आएंगे मैनेज में, मैनेज में जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फैक्ट्री प्रीसेट मिल जाएंगे। फैक्ट्री प्रीसेट में आपको अपने बेस को बूस्ट करना है। इस तरीके से आपने बेस में क्लिक कर दिया और इस तरीके से नॉर्मल तरीके से आपने एक बार इसको ओके कर दिया। एक बार आपका ये ऑडियो हो गया एडिट। अब दूसरी तरीके से आपको यहीं पे दोबारा इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर उसी ऑप्शन पे आएंगे और कर्व वाले में, और यहाँ पर प्रीसेट में आने के बाद आपको टेबल बूस्ट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर टेबल बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप टेबल बूस्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब दोस्तों ये जो आपका वॉइस है ये एडिट हो चुका है, बस इतना ही नॉर्मल तरीके से एडिट होता है। अब इसको नॉर्मल तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके 3-4 चीज़ दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको MP3 मिल जाएगा, WAV5 मिल जाएगी, OGG मिल जाएगी, ऑडियो मिल जाएगा। तो हमको MP3 में निकालना है इसको ऑडियो को, और जहाँ पर भी आप इसको जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं यही नेम करना है तो कर दीजिए, और यहाँ से इस तरीके से सेव कर दीजिए और इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो वॉइस है वो पूरी एडिट हो गई है, और कुछ भी कठिन स्टेप नहीं है, बहुत ही सरल स्टेप है और बहुत ही चीप सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो आपका स्टोरेज वगैरह है, डेटा वगैरह है, ये ज़्यादा नहीं खाता है। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।